गोरखपुर शहर में नए साल के आयोजनों को देखते हुए पुलिस सजग हो गई है। एसपी ट्रैफिक के बिश्नोई व एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद की अगुवाई में शुक्रवार की रात पुलिस ने बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी है। ये अभियान 1 जनवरी की शाम तक चलेगा। एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने बताया कि शुक्रवार की शाम 6 बजे से लेकर देर रात पुलिस ने जगह जगह बैरिकेटिंग करके वाहनों की जांच की। ब्रेथ एनालाइजर से बाइक और कार चालकों का परीक्षण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, देखिए 9 वर्ष के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि शराब पीकर लोग कदापि वाहन न चलाएं, इसकी चेकिंग की जाए। उसी निर्देश के क्रम में यातायात पुलिस थाना पुलिस के साथ मिलकर यह 29 तारीख से जो है 29-30-31 तक एक विशेष अभियान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चला रही है, जिसमें रात्रि में जो है कि 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक शराब पीकर अगर कोई वाहन चलाते हुए पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ जो है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना है। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाया गया उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत किया जाएगा।